शिष्य थे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, उनसे थोड़ा शांत रहिए, उनसे कहा कि आप रेखा खींचो इनकी। और सोनिया जी, आज ओरिजिनल संविधान से मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, क्योंकि तो कांग्रेस पार्टी हिंदू आस्थाओं का अहित कर रही है, मखौल बना रही है, शर्मसार कर रही है, और आपकी चुप्पी देश को बेचैन कर रही है। तो थोड़ा मैं आपको अपने पुरखों की विरासत बताता हूं, जिसके बिना पर आपके और आपके बेटे की और आपकी बेटी प्रियंका की राजनीति चलती है। देखिए मैं पहला चित्र क्या दिखा रहा हूं, और सोनिया जी आप देखिए, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के ऊपर किसका चित्र है? प्रभु राम, माता जानकी और लक्ष्मण के साथ श्रीलंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, सब मैं दिखाऊं। सोनिया गांधी जी आपके ज्ञान के लिए। अब मैं दूसरा चित्र दिखा रहा हूं, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नीति निर्देशक तत्व के ऊपर क्या है? भगवान कृष्ण महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ये देखिए, मैं तीन चार चित्र ये दिखाऊंगा। इंदिरा जी, सोनिया जी, पहचानते हैं इनको आप? आप तो पहचान गए होंगे। हनुमान जी देखिए, देखिए आप लोग, मैं दिखा रहा हूं, देखिए हनुमान जी हैं। हाँ, और एक चित्र और दिखाऊंगा, ये देखिए कौन है? नटराज। हाँ, देखिए आप, इसमें शिवाजी हैं, झांसी की रानी है, महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, अकबर हैं, बाबर औरंगजेब नहीं है। और सोनिया जी आपके ज्ञान के लिए, इस पर भारत की संविधान सभा के लोगों ने दस्तखत किया। ये देखिए, पहला दस्तखत है राजेंद्र प्रसाद का। देखिए नंबर एक, और उसके नीचे सोनिया जी आपके दादा ससुर जी जवाहरलाल नेहरू का दस्तखत है। देखिए आप, ठीक है, राजेंद्र बाबू अध्यक्ष संविधान सभा के। और देखिए, ये नंबर एक उर्दू में दस्तखत है मौलाना आजाद का। उसके बाद है ये देखिए, वल्लभ भाई पटेल का। और फिर देखिए बीआर अंबेडकर का, और इसमें बिहार के कई नेता, श्री बाबू, अनुग्रह बाबू, केवी सहाय, वृंदानंद झा, सबों का दस्तखत है, और बाकी और कई देशभर के नेता जो संविधान सभा के सदस्य। कांग्रेस पार्टी कुछ याद है कि भूल गए? हैं? नेहरू जो कभी दिक्कत नहीं हुई कि प्रभु राम का चित्र है इसमें, प्रभु कृष्ण का चित्र है, नटराज रहे, हनुमान रहे, बाबा औरंगजेब नहीं रहे, और आपकी कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया? हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास, सनातन धर्म, सबों का अपमान। तो सुन ले सोनिया जी, हिंदू आस्था, हिंदू चिंतन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और भाजपा की ओर से हम गांव गांव जाके आपकी सच्चाई को उजागर करेंगे। आज हमें इस बार कुछ विनम्रता से आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, कि कोई तरीका है बोलने का? कि सनातन एड्स है, एचआईवी है, कि जगताप बाबू क्या बोल रहे हैं? लालू प्रसाद जी, अपने अध्यक्ष के बारे में कुछ आपको बोलना है कि आप गए थे सिद्धिविनायक मंदिर में दिखावा करने के लिए?
मत लगवाते टीका। कल आपकी फोटो छपी है जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण को झूला झूला रहे और टीका लगा रहे, किसके लिए है ये? हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए फिर मुझे अब छोटे लोगों से सवाल पूछना ही नहीं है। सोनिया गांधी आप जवाब दें, राहुल गांधी आप जवाब दें, प्रियंका आप जवाब दें, क्योंकि तो कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता आप ही लोग। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो यह हाल है कि उनके पुत्र प्रियांक खड़गे रोज सनातन का अपमान करते हैं, ये नहीं स्वीकार होगा। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं, क्या क्या बातें बोलते हैं। थोड़ा सोनिया जी एक और आपसे आग्रह है, थोड़ा हिंदुस्तान को समझिए। माता शबरी कौन थी? एक बिल्ली थी ना। वाल्मीकि कौन थे? वेदव्यास कौन थे? संत रविदास कौन थे? मुझे गर्व है कि संत रविदास को कितना सम्मान मोदी जी ने दिया है। अभी सागर में उनका बड़ा मंदिर बना है, काशी में और बनिया बंद गया।